भाई मैं भुट्टा खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए भाई। बहुत बढ़िया है गाइस, मजा आ गया, मजा आ गया। बुबे ने चटनी लगा दी ना, गजब मजा आ गया गाइस, जरूर आप आए, मुझे तो बहुत मिर्ची लग रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स पहुंच गया हूं अब मैं सीधा नैनीताल। नैनीताल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आइए नैनीताल की वादियों में। थैंक यू वेरी मच। तो ये गई है हल्द्वानी के लिए रोड और ये गई है सीधी नैनीताल के लिए रोड। तो हमें नैनीताल जाना है गाइस। नैनीताल वो वहाँ है और मैं उस भुट्टे को खाने का प्रयास करूँगा। मिल गया गाइस, ये है हमारा भुट्टा की दुकान। वाह 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 वाह। तो गाइस यहाँ पर हम भुट्टा चखेंगे और हमारे बूबू जी नमस्ते। तो बूबू जी भुट्टा खिलाओगे? तो देखा गाइस, हमारे बूबू जी ने कहा कि ज़रूर खिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं नैनीताल में भुट्टे का अलग नज़ारा और मुझे ये भुट्टा खाना है। तो गाइस आप भी भुट्टा खा सकते हैं नैनीताल में आकर के। और ये भुट्टा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा इलाका है और ठंडे इलाके में चटनी और नमक और उसका नींबू का स्वाद अलग ही होता है। तो मैं गाइस आपको भुट्टा खिलाने का तरीका दिखाऊंगा। बाबू जी कब से हो आप यहाँ? अरे यहाँ 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल हो गए। तो गाइस ये है हमारे भुट्टा तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये। और ये हमारे बाबू जी जो है भुट्टा तैयार कर रहे हैं। गाइस मैं भी जो हूँ भुट्टा खाने के लिए तैयार हूँ और आप भी ज़रूर आएँ, भुट्टा का आनंद लें। नैनीताल रोड पर और भवाली रोड पर बहुत ही ज़्यादा भुट्टे मिलते हैं, तो इसका भुट्टे का आनंद ज़रूर लें। मैं तो भुट्टा हमेशा इधर जब भी आता हूँ नैनीताल तो ज़रूर खाता हूँ। तो आप भुट्टे देख सकते हैं, पहाड़ी भुट्टा, ये पहाड़ी ककड़ी है। तो गाइज आप आ सकते हैं भुट्टा खाने के लिए। थकान बहुत ज़्यादा होगी है क्योंकि हम मुंशियारी से निकले हैं, मुंशियारी से मैं अल्मोड़ा। तुम बूबू जी खाना पीना? खाना पीना खा के आते हैं, था थोड़ी रोटी, दिन में बच्चे भी आते हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके बाबू जी? पाँच 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 बच्चे हैं। पाँच बच्चे, शादी हो गई सबकी? सबकी शादी हो गई, सबकी क्लियर कर दी। लड़की लड़के सब? सब लड़के लड़कियाँ। हाँ अब हम भुट्टा खाएंगे आराम से। धुआं भी लग रहा है। भुट्टा बनाए थे भाई, मैं भुट्टा खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए भाई। बहुत बढ़िया है गाइस, मज़ा आ गया, थोड़ी भूख लग चुकी थी और अभी लगभग 12 बज चुके हैं, दोपहर का टाइम है गाइस। अब नैनीताल पहुंचने वाला हूं मैं 10 मिनट में। तो आप भी भुट्टे खाना, मज़ा आ गया। बूबे ने चटनी लगा दी ना, गजब मज़ा आ गया गाइस, जरूर आप आए, मुझे तो बहुत मिर्ची लग रही है। गाइस भुट्टा खाते खाते एक चीज़ और मैंने देखा, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, यहाँ मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा जो कि बहुत मुझे नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो गाइस मंदिर के नज़ारे में आपको दिखाना। तो गाइस वो है वो मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा लोकेशन लग रही है गाइस। गाइस फाइनली वो भुट्टा मैंने खा लिया है, लेकिन बहुत मिर्ची थी, बहुत मज़ा आ रहा था और जितनी अच्छी मिर्ची डली थी उतना बढ़िया मज़ा आ रहा था गाइस। तो ज़रूर आप इस बाबू जी का भुट्टा ज़रूर खाएँ नैनीताल भवाली आते हुए। और मैं उस मंदिर के पास चलता हूँ जो कि बहुत ही मन को आकर्षित कर रहा है, मैं उस मंदिर को आपको दर्शन कराना चाहूँगा जो कि बहुत ही अलग शांत जगह में ये मंदिर है। तो गाइस मैं चलता हूँ उस मंदिर के पास, तो आप भी मेरे साथ चलिए। गाइस ये है वो खूबसूरत सा मंदिर और बस भी आ गई है यहाँ पर। तो गाइस मैं चलता हूँ। गाइज ये है
वो प्यारा मंदिर जो सबसे एकांत जगह में मंदिर है बाबा भोलास में। देखते हैं कितना खूबसूरती मंदिर है। ये तो बहुत मन को आकर्षित कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियों में ये मंदिर बसाया गया है और कितना अच्छा यहाँ फील हो रहा है कि शांति महसूस हो रही है। मुझे तो बहुत मन को खुशी मिल रही है क्योंकि ये ऐसे मंदिर जहाँ भीड़ भाड़ नहीं, जहाँ दुनिया से कोई मतलब नहीं, एक एकांत में ये मंदिर है तो भगवान जी के दर्शन आप कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ जी के। चलते हैं गाइज इन पेड़ों के बीच में मंदिर के दर्शन करने। आइए गाइज मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ। गाइज ये है मंदिर हमारे भोले, देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंदिर है और कितना बढ़िया डिजाइन में ये बना है जंगल के चारों ओर। देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन, कितने बढ़िया पेड़, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़ यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो कि देवदार पेड़। तो प्रभु हमारे यहाँ जंगल में एकांत में यहाँ पर बैठे हैं। तो आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मुझे तो ये मंदिर बहुत ही प्यारा लगा गाइज। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट नीचे कर सकते हैं गाइज। और तो बुबू एक बार बाय तो कर दो। ठीक है, मिलते हैं बुबू आपसे। हाँ तो गाइज बुबू से मिलते रहेंगे। हाँ हाँ ठीक बुबू, ठीक बुबू जी कह रहे हैं कि यहाँ आते रहना तो हम आते रहेंगे। ठीक बुबू, नैनीताल है गाइस, जहाँ पर हमें जाना है वहाँ हमने पहुँचना है। वो देख सकते हैं आप, तो गाइस मैं रास्ते में चलते चलते जो है अचानक ही बीच में भवाली और नैनीताल के बीच में माता जी का जागरण हो रहा था, जो कि हमें प्रसाद खाने का एक अवसर प्रदान हुआ। माता जी ने हमें प्रसाद खिलाने के लिए यहाँ बुलाया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर वो प्रसाद है। और जो प्रसाद मुझे मिला है वो ये है। तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर चलते हैं नैनीताल की ओर। नवरात्रों का प्रसाद चल रहा है। थैंक यू। तो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ खाएंगे, आनंद खाएंगे, उठाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा भोजन माता जी का प्रसाद। खाते हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ माता जी का प्रसाद ग्रहण किया, बहुत अच्छा लगा। हलवा पूरी था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस एक मैं खाना चाहूँगा, तो बहुत खूबसूरत बच्ची यहाँ पर खाना माता जी का भोजन ग्रहण। आपका इसी का आओ खाल बेटा, ये क्या है? उनको जवाब दे, तेरी फिल्म बन रही है। ये क्या चीज है? गंदी है। मैं खा लूँ इसको? मैं ले जाता हूँ, ले जाओ, लो लो खा लो खा लो। देखा गाइस कितने प्यार प्यारे बच्चे। गाइस तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नैनीताल में, जो कि नैनीताल की आप खूबसूरत बात ये देख रहे होंगे। ये है नैनीताल, प्यारा प्यारा खूबसूरत नैनीताल, जो झील के किनारे में ये नैनीताल बसा है। और आप नैनीताल में आइए एक बार, नैनीताल का आनंद जरूर लीजिए। मैं अपने ब्लॉग में आपको नैनीताल की सैर कराता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नैनीताल अंदर मार्केट में और झील के किनारे, जहाँ पर मुझे भी देखने की बहुत तमन्ना है। गाइज ये है प्यारा सा नैनीताल। आई होप फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।